अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जहाँ पे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन दिख रहा है उसे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपको मेरे लेटेस्ट और न्यू वीडियोस देखने हैं तो प्रेस बेल आइकन। एप्पल आईफोन 2018 मॉडल को 12 सितंबर को पेश किया जा सकता है और 14 सितंबर से इन मॉडल को प्री ऑर्डर के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। जर्मन वेबसाइट की माने तो एप्पल इस साल आईफोन के 3 वेरिएंट को लॉन्च करने वाला है, जिसमें से 2 मॉडल ओलेड डिस्प्ले के साथ आएंगे और एक मॉडल एलसीडी स्क्रीन के साथ पेश किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल ने लॉन्चिंग के लिए 12 सितंबर को चुना है, हालांकि कंपनी की तरफ इसे लेकर कुछ कहा नहीं गया है। रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल आईफोन एलसीडी मॉडल को आईफोन 9 को 6.1 इंच की डिस्प्ले के साथ पेश करेगा, जबकि आईफोन एक्स 2018 एंड आईफोन एक्स प्लस मॉडल को 5.8 इंच और 6.5 इंच के ओएलईडी डिस्प्ले के साथ लॉन्च किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आईफोन एक्स 2018 और आईफोन एक्स प्लस को 4GB रैम के साथ लाया जाएगा, साथ ही इसमें फेस अनलॉक फीचर भी दिया जाएगा। वही एलसीडी मॉडल में 3GB रैम दिया जाएगा, साथ ही फेस अनलॉक फीचर भी शामिल किया जाएगा। यह फोन डुअल सिम को सपोर्ट करेगा, हालांकि फोटोग्राफी के लिए फोन के रियर में सिर्फ एक कैमरा दिया जाएगा। आईफोन एक्स 2018 और आईफोन एक्स प्लस को 3 स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया जाएगा। इसमें पहला 64GB वेरिएंट, दूसरा 256GB वेरिएंट और तीसरा 512GB वेरिएंट है। अगर दाम की बात करें तो आईफोन एक्स 2018 की शुरुआती कीमत $899 करीब 62,943 रुपये हो सकती है, जबकि आईफोन एक्स प्लस की शुरुआती कीमत $999 लगभग 70,064 रुपये हो सकती है। एलसीडी मॉडल को आईफोन 9 को 2 स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किए जाने की तैयारी है, जिसमें 64GB स्टोरेज और 256GB स्टोरेज वेरिएंट शामिल है। इन दोनों स्टोरेज की कीमत $699 49,024 रुपये और $749 52,531 रुपये हो सकती है। इस हैंडसेट में सिंगल रियर कैमरा दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल iOS 12 के फाइनल वर्जन को 18 सितंबर को लॉन्च कर सकती है, जो iPhones और iPads का अगला ऑपरेटिंग सिस्टम है।